अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा वान है। मैं YouTube चैनल टेक रिव्यूज़ ऑफ हमजा से हूँ और आज आप लोगों के लिए OLX की तरफ से ओप्पो A9 2020 का रिव्यू लेके आ रहा हूँ। ओप्पो A9 2020 ओप्पो का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है ए सीरीज़ के अंदर, जो एक मिड रेंज बजट सीरीज टाइप है। इसके फीचर्स जो हैं वो इसके बॉक्स पे लिखे हुए हैं कि जैसे ही आप देख सकते हैं कि 8GB 128GB है, ठीक है, 8GB रैम है, 128GB रोम है इसका। और इसके बैक पे भी कोई आला आला फीचर लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा और ये क्वाड कैमरा सिस्टम के साथ है। इसकी 5000mAh बैटरी है, जो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ होती है, ठीक है, आप 11 आवर्स आराम से गुजार सकते हैं इसके साथ। स्नैपड्रैगन 665 चिप लगी हुई है गेम बूस्ट 2.0 के साथ, जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है गेमिंग के अंदर अगर आप गेमर हैं। और ड्यूअल स्पीकर हैं जिनको डॉल्बी एटमोस एटमोसफेयर कहते हैं, जो क्वाइट अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको गेम्स और मूवीज़ के दौरान, क्योंकि वो साउंड जो होता है वो आपको सराउंड करता है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये इसका बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इस पैकेट के अंदर इन्होंने ये इसका सिलिकन कवर जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, साथ में इसके वारंटी कार्ड्स और मैनुअल चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन पड़ा हुआ है। ये फ़ोन को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्लास्टिक के अंदर सील किया हुआ है। जब आप प्लास्टिक खोलते हैं तो अंदर आपको एक काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ फ़ोन मिलता है। ये मैं एक्चुअली पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी मैं चार्जिंग 38% की भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि इसका स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरेज हैं, 4 कैमरा जो क्वाड सिस्टम डाला हुआ है इसके अंदर वो, और साथ में एक छोटा सा नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो काफ़ी फास्ट है खोलने में। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस फ़ोन के अंदर 4-5 किस्म के मोड हैं अलग अलग तरह के, फ़ोटोज़ खींचते वक्त वीडियो मोड और फोटो मोड तो हर फोन में होता है। साथ में इसके अंदर पोर्ट्रेट है, और पोर्ट्रेट के अलावा आप वाइड एंगल यूज़ कर सकते हैं, पैनोरामा यूज़ कर सकते हैं, और इधर इसके अंदर एक्सपर्ट मोड, टाइम लैप्स और स्लोमो भी दिया हुआ है, और एक नाइट मोड भी है जो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं नाइट में। उसके अलावा इसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि ये वीडियो के अंदर वाइड एंगल नहीं रिकॉर्ड करता, लेकिन इसका जो वीडियो है वो 4K तक चली जाती है, जो काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन है और आजकल बहुत स्मार्टफोन में भी आ रही है। उसके अलावा इसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और इसका जो वाइड एंगल है वो 2 मेगापिक्सल का है, और पोर्ट्रेट 2 मेगापिक्सल का है, और एक इसके नीचे मोनो सेंसर दिया हुआ है जो एक्चुअली वाइड एंगल के अंदर आपको बहुत डिटेल कैप्चर करके देता है, उसको भी 2 मेगापिक्सल के अंदर इंस्टॉल किया है। उसके अलावा प्राइस रेंज के अंदर आपको सबसे बेस्ट फ़ोन मिलेगा A9 2020 का रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर OLX फॉर हैविंग।